आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजन कथा के बारे में जानिए विस्तार से। जानिए पुलत्स्य महर्षि ने क्या कहा न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के बारे में गंगे जी से। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म पितामह से कहा कि अब आपको उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनाता हूँ। हे भीष्म, कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर सभी कायस्थ न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर धूप दीप आदि कर रहे थे। देव योग से राजा सौदस भी घूमता हुआ वहां पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा, यह किसका पूजन कर रहे हो? तब वे लोग बोले कि राजन, हम लोग न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की शुभ पूजा कर रहे हैं। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। यह सुनकर राजा सौदस ने कहा कि मैं भी न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा करूंगा। यह कहकर सौदस ने विधि पूर्वक स्नानादि कर मन से न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा की। इस भक्तियुक्त पूजा करने से उसी क्षण राजा सौदस पाप रहित होकर स्वर्ग चला गए। इस प्रकार न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा। अब हे त्रिपश्रेष्ठ, और क्या सुनने की आपकी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त्य मुनि से कहा, हे विपेंद्र, किस विधि से वहाँ उस राजा सौदस ने न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन किया जिसके प्रभाव से हे मुनि राजा सौदस स्वर्ग लोक को चला गए? श्री पुलस्त्य मुनि जी बोले, हे भीष्म, न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के पूजन की संपूर्ण विधि में आपसे कह रहा हूँ। घृत से बने निवेद, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, रीप तथा अनेक प्रकार के निवेद, रेशमी और विचित्र वस्त्र से मेरी, शंख मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे का भक्ति भाव से पतिपूर्ण होकर पूजन करे। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से पतिपूर्ण करे, उस पर शक्कर भरा कटोरा रखें और यतन पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्र भी इस प्रकार पढ़े, दवात कलम और हाथ में खली लेकर पृथ्वी में घूमने वाले हे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज आपको नमस्कार। हे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश को बढ़ाने वाले हे भीष्म, इन मंत्रों के संकल्प पूर्वक न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदस ने भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। भारत यमदूत राजा सौदस को भयानक यमलोक में ले गए। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने यमराज से पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्मरत सौदस राजा है जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले, हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आपने ही मुझे वह वर दिया है, आपका सदैव कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इससे प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा बैकुंठ लोक को जाए। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदस का बैकुंठ जाने की आज्ञा दी
और राजा सौदस बैकुंठ लोक को चले गए। श्री पुलस्त्य मुनि जी ने कहा, हे भीष्म, जो कोई सामान्य पुरुष या कायस्थ न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा करेगा, वह भी पाप से छूट कर परमगति को प्राप्त करेगा। हे गंगे, आप भी सर्व विधि से न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा करिए, जिसकी पूजा करने से हे राजेंद्र आप भी दुर्लभ लोक को प्राप्त करेंगे। पुलस्त्य मुनि के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति मन से न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा की। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति मन से सुनेंगे, वे मनुष्य समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहां तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इस कथा का वाचन करने के बाद सभी उपस्थित बंधु श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की आरती स्तुति गाए। इसके पश्चात खुशी पूर्वक श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी महाराज और श्री गणेश जी महाराज से अपने और अपने लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शीश झुकाएं एवं प्रसाद का वितरण करें। हरि ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किम दंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।